नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हमारे साथ इनरविल क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ की चेयरमैन उर्वशी जी जुड़ रही हैं। बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो आज ये ब्लाइंड स्कूल में पहुंची है आरकेपुरम के, उसका उद्देश्य क्या था, और आज यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ भी बातचीत हुई है, कुछ डोनेट भी किया है इन लोगों ने। सबसे पहले तो चूँकि आप लोग समाज सेवा में लगे रहते हैं, चाहे कहीं ज़रूरत हो इनरविल वहाँ मौजूद होता है, इस संबंध में क्या कहेंगी और आज का क्या उद्देश्य था? आपको पहले बस थोड़ा सा बता दें, अभी आपने कहा इनरविल क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं वो हम बहुत सारे क्लब्स की होते हैं। इनरविल दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक सामाजिक संस्था है, ये 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है। इंडिया को 27 इनरविल डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। तो दिल्ली एंड NCR डिस्ट्रिक्ट 301 में आते हैं। इनरविल क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ यहाँ का एक बहुत प्रोमिनेंट क्लब है। आप देखें ना, जो पूरी की पूरी दिशा अपने अंदर समेट के बैठा हुआ है, नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्थ वैसे कुबेर की डायरेक्शन कहा जाता है, तो ये कुबेरों का क्लब है। और ये बात ज़रूर है, इनरविल ऑफ वीमेन बाय वीमेन फॉर एवरीवन, हम सब लेडीज़ मिलके जो कुछ भी समाज के लिए कर सकते हैं, बिकॉज वी गेट अप विद थैंक यू टू गॉड कि आपने हमें एक ब्लेस्ड बनाया है, तो वट एवर लिटिल वी कैन डू टू द नीडी एंड मार्जिनलाइज्ड, उसके लिए हम लोग करना चाहते हैं। ये जो यहाँ पे आपने अभी कहा ब्लाइंड, सॉरी, हम इनरविल में कहते हैं स्पेशली एबल्ड। आपने सुना होगा ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, तो वही बात हम एबिलिटी के लिए भी कहते हैं कि एबिलिटी आपकी काबिलियत और मेरी काबिलियत ये देखने वालों की निगाहों में है, जो हम आँखों से नहीं देख सकते ये स्पेशली एबल्ड अपनी सुपर आँखों से देख लेते हैं, जो हम फील नहीं कर सकते वो फील कर लेते हैं। कहते हैं ना, जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो पता नहीं कितने सारे दरवाजे खुल जाते हैं, तो ये भगवान के वही अनोखे बच्चे होते हैं जिनके पास बहुत सारे ऐसे टैलेंट होते हैं। अब इनरविल यहाँ पे इस सेंटर के साथ बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। आई टेक यू बैक टू द हिस्ट्री, जिससे आपको पता चले, जो आपने पूछा यहाँ क्या करने आए हैं, तो हम लोग एक चीज़ होती है मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। देखिए, सबको रिकॉग्निशन या मोटिवेशन चाहिए होता है, वो हैप्पी फीलिंग, यू आर समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेटेड काम करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे कंप्यूटर रूम भी बनाया हुआ है इनरविल ने। इस साल के शुरू में सब क्लब्स ने मिलके वैन भी डोनेट करी, और अब नॉर्थ यहाँ पे आया हुआ है इनके लिए। आज इन्होंने काम करा, ऊपर क्लासरूम्स बने हुए हैं, नया जो इनका एक्सटेंशन हुआ है उसमें जितना भी फर्नीचर है वो इस क्लब ने दिया हुआ है। और एज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन दे हैव इनवाइटेड मी एज देयर चीफ गेस्ट, आई स्टैंड हियर obliged to them, feeling very happy that they did this great work and they gave me the opportunity to preside over. हमारे साथ शशि गुप्ता मैम जुड़ रही हैं, जो इनरविल क्लब की मेंबर हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं और फिर किस तरह से इनरविल के साथ आपका जुड़ाव हुआ है, ये संस्था कैसे काम करती है, इसके बारे में। मैं इनरविल 45 साल पहले इनरविल में मैंने एडमिट लिया था मेंबरशिप, और 45 साल से मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ। जब से मैंने बहुत सारे पदों पर काम किया है, मैं क्लब की प्रेसिडेंट भी बनी, मैं क्लब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी बनी, फिर मैं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनी, और उसके बाद इंटरनेशनल बोर्ड डायरेक्टर बनी। तो ये चारों सीटें बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक के बाद एक। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारा एक के साथ एक लिंक से जुड़ी भी होती हैं। ये इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ होना होता है। सारे इंटरनेशनल में इस वक्त 100 कंट्रीज़ हैं जो कि इस संस्था में काम करते हैं, और सभी सोशल वर्क करते हैं फ्रेंडशिप के साथ। हमारे फ्रेंडशिप के लिए भी हमारे बहुत सारे गेट टुगेदर्स होती रहती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसिस होती रहती हैं, ट्राइनल कॉन्फ्रेंसिस होती रहती हैं। इस साल हमारा 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और इस साल बहुत बड़ी सेलिब्रेशन सब डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और हमारे क्लब में भी होगी, डिस्ट्रिक्ट में भी होगी एक सेलिब्रेशन, जो कि 10 जनवरी को होती है, क्योंकि 10 जनवरी को ये एसोसिएशन फॉर्म हुई थी 100 साल पहले। 24 जनवरी को एसोसिएशन फॉर्म हुई थी, और उस दिन को 10 जनवरी को हुई थी, और 10 जनवरी का दिन ये सभी क्लब सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल ये इसकी 100th एनिवर्सरी मनाई जाएगी। आज यहाँ पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य था इसका, और कितना अच्छा लगा जब ब्लाइंड बच्चों को आप लोगों ने सुविधाएं प्रदान की? जी, हमें पता लगा कि यहाँ पर इनका नया विंग बना है, तो हमारे क्लब ने ये सोचा कि इस विंग में इसको फर्निश किया जाए, तो हमने फंड्स इकट्ठे किए और यहाँ पर फर्नीचर बनाया गया। फंड्स हमारे इस तरह से इकट्ठे होते हैं, हमने इसको फ्लोट किया अपने क्लब में, हमने ये आइडिया फ्लोट किया कि यहाँ पर इस फर्नीचर यहाँ पर 2.5 लाख रुपये लगने हैं
हमारे इस विंग को बनाने में, तो सब ने किसी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, किसी ने 10,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 20,000 दिए, ऐसे कर कर के हमारे ऑन द फ्लोर धीरे 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 हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन आता रहा और हमारी इस तरह से हमारे पैसे इकट्ठा हो गया और हमने यहाँ पर फर्नीचर बनाया है। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो नेशनल ब्लाइंड स्कूल के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी शिक्षा दीक्षा भी जो है वो इस स्कूल से हुई है और अब चूँकि इस स्कूल के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं तो सबसे पहले जो दृष्टिबाधित बच्चों की समस्याएं हैं इसके ऊपर प्रकाश डालने का काम करें। साथ साथ कहने को ये होता है कि अभी भी बहुत परेशानी है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ने के बाद भी जो ख़ास तौर पर दृष्टिबाधित बच्चे जो देख नहीं सुन सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों की परेशानियां कम नहीं हुई है, लेकिन आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज किया हुआ है और आज इनरविल क्लब दिल्ली नॉर्थ के तरफ से यहाँ पर डोनेशन के तौर पर फर्नीचर और चेयर्स वगैरह का भी इंतजाम किया गया है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इनरविल क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। हमने जब भी अपनी कोई भी रिक्वेस्ट इनके सामने रखी है कि हमें ये चाहिए तो इन्होंने हमेशा आगे बढ़कर हमारी मदद की है। इस बार भी एक छोटी सी मुलाकात और एक छोटी सी बात की, हमारे 5 क्लासरूम बन रहे हैं जिसके लिए हमें फर्नीचर चाहिए होगा, सिर्फ एक बार मैंने बोला और मुझे शायद दोबारा याद भी दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इन्होंने वो अपने पैसे इकट्ठे करके जो भी इनका अपना इंटरनल प्रोसेस है उसके थ्रू हमें वापस डोनेट किया, हमें वापस कांटेक्ट करके खुद ही डोनेट किया। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सब, आई वुड से सारी आंटीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक बात है समस्या की, जो ब्लाइंड पर्सन की या ब्लाइंड बच्चों के जो समस्या है वो सिर्फ समस्या मौके की समस्या है, बच्चों को अगर मौका दिया जाए तो बच्चा अपने आप में सब कुछ कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जब आपके पास कोई बच्चा आता है और वो ये कहता है कि मैं ब्लाइंड हूँ तो आप उसको ये बताएं कि वो भी पढ़ सकता है और बराबरी से पढ़ सकता है, बस उसको ऐसी जगह जैसी जगह मुझे मिली, मुझे पढ़ने के लिए मिली या इंस्टीट्यूशन मुझे मिला, वैसी जगह मिले और वैसे रिसोर्सेज मिले। मेरे पढ़ने के टाइम पे इतने कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर आज के टाइम पे बच्चों के पास अगर कंप्यूटर दे दिया जाए तो एक क्लास 4 का भी बच्चा भी अपने कंप्यूटर पे बुक्स पढ़ के, ऑडियो बुक्स पढ़ के, ई बुक्स पढ़ के बहुत अच्छा कर सकता है और सभी बच्चों के साथ बराबरी में कॉम्पीट भी कर सकता है। तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो बच्चे के साथ मौके की है, उसको एम्पल रिसोर्सेज मिलने चाहिए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या ये स्कूल जो है वो इस संस्थाओं के थ्रू ही चलती है या फिर गवर्नमेंट का भी कुछ योगदान है, और कुछ बच्चे जो ऐसे हैं दिव्यांग बच्चे जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर अपना एडमिशन करा सकते हैं? हमारे पास हर साल लिमिटेड सीट्स होती हैं। एक्चुअली जो हमारा साइकिल है कि जितने बच्चे क्लास 12 से पास आउट होंगे उतने ही बच्चों की सीट्स इस बार अवेलेबल होगी। तो जब बच्चे हमारे पास फरवरी मार्च में कांटेक्ट करते हैं एडमिशन के लिए, हम उनको एक असेसमेंट, बेसिक असेसमेंट रखते हैं, उसके बाद जो क्लास में उनको सूटेबल होता है उस क्लास में उनको एनरोल कराते हैं और नियर बाय स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, जैसे DPS RKpuram में जाते हैं, DPS वसंत कुंज में जाते हैं, DPPS में जाते हैं, सेंट मेरीज़ में बच्चे जाते हैं। तो आसपास के स्कूलों में हम अपने बच्चों को भेजते हैं, बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़कर आता है और जो चीज़ वहाँ पे टीचर्स उसको नहीं कंप्लीट करा पाती वो फिर हमारे यहाँ रिसोर्स क्लासेस में उसकी पढ़ाई होती है। तो बच्चे की पढ़ाई हम बाद में यहाँ पे आज ट्यूशन या रिसोर्स क्लासेस दोपहर में कराते हैं। इनरविल क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 301 की प्रेसिडेंट मधुलता गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और इनसे आज हम यही जानेंगे कि आखिर किस तरह से इनरविल इतने सारे कामों को जो सामाजिक योगदान है इन्हें कर पाने में सक्षम हो पाती है। सवाल आप समझ गए होंगे और आई थिंक प्रेसिडेंट महोदया ने भी इन सवालों को समझा होगा। मैम, कैसे आप लोग इतना सारा चीज़ कर लेती हैं और इसके पीछे आप लोगों को अगर हम देखें तो ग्रैंडफादर को गॉडफादर कौन है और किस तरह से पूरा मैनेज? देखिए, जहाँ तक गॉडफादर की बात है, हमारे सीनियर्स सबसे बड़े गॉडफादर तो हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होती हैं, उसके बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, तो और उसके बाद फिर हमारे क्लब में जो हमारे सीनियर्स होते हैं जो पहले काम कर चुके होते हैं, जैसे हमारे क्लब में पास्ट इंटरनेशनल इनरविल प्रेसिडेंट बनी हुई हैं, बन की हैं जो हमारी हमारे सीनियर्स हैं, मेंटर हैं अनीता अग्रवाल जी, और हमारे अभी इंटरनेशनल इनरविल बोर्ड डायरेक्टर हैं शशि गुप्ता जी,
हमारे पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है निशा भार्गव जी, पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है नीलू खन्ना जी, तो ये सब लोग हमारे सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, और ये लोग हम लोगों को जब जो भी नया प्रेसिडेंट आता है ये उनको गाइड करते हैं, उस तैयार करते हैं कि भी एज अ प्रेसिडेंट तुम्हें किस तरह से इस क्लब को चलाना है, इनरविल में किस तरह से काम करना है, और इसमें मेंबर्स का सबसे ज़्यादा सहयोग कैसे लेना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है। तो इस तरह से, क्योंकि बिना मेंबर्स के कोई प्रेसिडेंट काम नहीं कर सकती, और बिना प्रेसिडेंट के कोई डिस्ट्रिक्ट भी नहीं चल सकता, बिना मेंबर के। मेंबर जो है ये हमारे जो इनर व्हील है उसमें एक डॉट जो बीच में है वो रिप्रेजेंट करता है ईच एंड एवरी मेंबर। मेंबर्स के बिना इनर व्हील कुछ नहीं है, जो सारा योगदान है वो मेंबर्स का है, और मेंबर्स ही सारा काम करते हैं जो कि इंटरनेशनल तक उसका लाभ मिलता है उसको। इसके लिए क्या कोई प्रोजेक्ट आप लोगों के पास थ्रू द गवर्नमेंट होती है, या फिर टेकन की कोई डोनेशन कर रहा है उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें हो रही है? साथ साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा, अगर हम बात करें कुछ लोग जो आपकी संस्था के साथ जुड़कर अपना योगदान देना चाहे तो वो कैसे आप लोगों से? सबसे पहली बात है कि हम लोगों को प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता, या हम जाते हैं स्कूल्स में जाते हैं, या कहीं ऐसी हमें पता लगता है कि गोल्ड एज होम्स हैं या कुछ हैं, तो वहाँ जाके उनसे पूछ लेते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और हम आपकी सेवा किस तरह कर सकते हैं। पहले तो ये होता है, और उसके बाद जब हम इसको प्रोजेक्ट्स को करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए जो बाहर की अगर संस्थाएं हमें योगदान कोई भी देना चाहे पर्सनली कुछ भी, तो वो इनर व्हील में जिस भी मेंबर से, जिस भी क्लब से जुड़ा होता है या डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा होता है, कुछ फ्रेंडशिप होती है, कुछ ऑफिस में होते हैं, या कुछ रिलेटिव्स होते हैं कि उनको कुछ करना है, कुछ सेवा करनी है कुछ, तो वो जुड़ सकते हैं, आराम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी फैमिली में अगर मेरा कोई फैमिली मेंबर, कोई रिश्तेदार चाहता है कि मैं कुछ डोनेट करूं, तो वो मैं उसको बता दूंगी भी हमारा ये जगह है जहां पे आप डोनेट कर सकते हैं, आपका जो अमाउंट है उस हिसाब से आप इसको डोनेट कर दीजिए, तो उसकी इनर व्हील के हेड में वो डोनेट हो जाता है। काम टैक्स वगैरह से भी कुछ रिलीफ मिलता है क्या? नहीं नहीं, हमारे को कुछ ऐसा नहीं है टैक्स में, हमारा कुछ रिटर्न में ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होती है उसको दिखाना होता है कि तुमने कौन से कमेटीज़ हैं, हमारी 10-12, तो उस कमेटीज़ में आप किस कमेटी में आपने क्या काम किया है, तो वो हम सारा रिपोर्ट देते हैं चेयरमैन को, चेयरमैन रिपोर्ट देती है एसोसिएशन वालों को, और एसोसिएशन वाले दिखाते हैं इंटरनेशनल। तो ये एक के पीछे एक, मतलब ये एक चेन चलती है। बिल्कुल, तो एक तरह से पूरी चेन चल रही है दुनिया के कई देशों में, साथ साथ भारत में भी, और आज आपने देखा कि किस तरह से इनर व्हील क्लब दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 301 की तरफ से नेशनल ब्लाइंड स्कूल जो आर के पुरम में स्थित है, यहाँ पर फर्नीचर और चेयर डोनेट किया गया है। साथ ही साथ इस स्कूल में कई और काम इनके अथक प्रयासों से पहले भी किए जा चुके हैं। ये बताएं कि आप लोग जो इस तरह से एकत्रित हुई है इनर व्हील क्लब में, क्या आपको क्लब में अच्छा लगता है और कितने वर्षों से जुड़ा आपका इस क्लब से? मैं पास प्रेसिडेंट कमलेश चावला इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ से बोल रही हूँ, और मैं यहाँ पर हम सब मिलकर ही, हमारी ये सब फ्रेंड्स स्ट्रेंथ है, हम एक नहीं, जैसे पहिए में बहुत सारे व्हील्स में होते हैं, इसी तरह से हमारी सबकी एक स्ट्रेंथ है, हम सब मिलकर ही काम कर सकते हैं। और हमारा कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जैसे आज का प्रोजेक्ट था हमारा यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल में फर्नीचर देने का, तो सिर्फ हमारी प्रेसिडेंट ने, मधुलता जी ने लिख दिया उस पर हमें, और सभी ऐसे आगे बढ़ बढ़ करके कि हम इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, हम इतना, तो वो एक लार्ज स्केल में अपने आप ही हाथ से हाथ जुड़ता जाता है, और इस तरह से एक स्ट्रेंथ बन जाती है। जैसे पांच उंगलियों से एक हाथ बनता है, इसी तरह से हम सब की स्ट्रेंथ से हमारा इनर व्हील दिल्ली नॉर्थ बना हुआ है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए।